ये देखिए होममेड हमारी कुल्फी पूरी तरह से रेडी है। बहुत ही आसान तरीके से बनती है ये और इजीली आप घर में बना सकते हैं। और कुल्फी घर में सभी को पसंद आती है। बाहर आजकल हमारी कुल्फी वगैरह नहीं मिल रही है, तो आप घर में ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। मैजिकल किचन में आपका स्वागत। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। गर्मियों का सीजन आ गया है और कुल्फी खाना सभी को अच्छा लगता है, तो आज हम सिर्फ तीन चीजों को मिलाकर ही कुल्फी बनाएंगे। होममेड कुल्फी होगी और जो कि बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए हमने लिया है 1/2 लीटर दूध, फुल क्रीम दूध लेना है, 1 कप चीनी और 5 ब्रेड के स्लाइसेस। इन तीनों को मिलाकर आज हम होममेड कुल्फी तैयार करेंगे। ये जो हमने 5 ब्रेड ली हैं, इनके जो साइड के कॉर्नर्स हैं, इनको हम निकाल लेंगे। अब हम एक मिक्सी ग्राइंडर लेंगे और इसमें हम ब्रेड के छोटे पीसेस इस तरह से करके, जो हमने 5 ब्रेड ली हैं, और मिक्सी में इस तरह से डालकर हम अच्छे से इसका पाउडर बना लेंगे। गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और एक कढ़ाई रखेंगे और जो हमने 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है वो इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छे से बॉइल करेंगे। तेज गैस पर ही हमें बॉईल करना है दूध को। और फ्लेवर के लिए हम इसमें केसर डालेंगे 1 छोटी चम्मच, इससे कलर भी अच्छा आता है, और इलायची पाउडर डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से बॉईल करेंगे। ये देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है, लेकिन हमें इसे अभी उबालना ही है। जब तक ये दूध आधा ना हो जाए तब तक हम इसको इस तरह से उबालते रहेंगे। अभी हमने इसमें चीनी ऐड नहीं करी थी, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, जो हमने 1 कप चीनी ली है। दूध अच्छे से हमारा बॉईल हो रहा है। अभी हमने जो ब्रेड को मिक्सी ग्राइंडर में पीसा था, उसका जो हमने पाउडर बनाया था, वो हम इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही करके मिक्स करेंगे और इसको साथ के साथ चलाते रहेंगे। पेस्ट देखिए कितना थिक हो गया है, हमें ऐसा ही चाहिए। और केसर डालने से कलर देखिए कितना अच्छा आया है। हमें अलग से जो मार्केट वाले फूड कलर्स होते हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं है, केसर से ही बहुत अच्छा कलर आया है। और हमारा जो ये कुल्फी का ये पेस्ट है, ये पूरी तरह से रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। कुल्फी के लिए जो हमने पेस्ट रेडी किया है वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। और ये देखिए ऐसा हमें थिक पेस्ट चाहिए और एकदम से ऐसा देखने से ऐसा लग रहा है कि ये रबड़ी है, लेकिन ये रबड़ी नहीं है। अब हम इसकी कुल्फी जमाएंगे। उसके लिए हम लेंगे इस तरह से, कुल्फी जमाने के लिए हमने इस तरह से लिया है स्टैंड, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके जो ये पेस्ट है वो डालेंगे। एकदम परफेक्ट बैटर हमारा बना है कुल्फी का। बिल्कुल 6 कुल्फी हमारी इससे बन गई हैं इस तरह से, और हमारा जो पेस्ट था वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो जो रेशियो मैंने आपको बताया है उससे हमारी 6 कुल्फी पूरी तरह से रेडी हो जाएंगी। अब हम इनको फ्रीज़र में जमाने के लिए रखेंगे पूरी ओवरनाइट के लिए। इस तरह से इनको ऊपर से बंद कर देंगे और रात भर के लिए इसको फ्रीजर में छोड़ देंगे। ये देखिए एकदम घर की बनी हुई हमारी कुल्फी रेडी है। ना कोई बाहर का टेंशन की बाहर कुल्फी हमें नहीं मिल रही है, हमारा कुल्फी खाने का मन है तो हम कैसे खाएं। तो इस तरह से आप झटपट बनाएं घर में बहुत ही आसान तरीके से कुल्फी, जो कि बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। ओवरनाइट हमने आइसक्रीम को रख लिया था फ्रीज़र में, अब हमने निकाल लिया है और हमारी आइसक्रीम कुल्फी पूरी तरह से रेडी है। अब हम एक बड़ा सा चौड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें जो नॉर्मल सादा पानी होता है वो रखेंगे, और जो ये हमारी कुल्फी है इसको हम थोड़ा सा एक मिनट के लिए इस तरह से पानी में छोड़ देंगे, जिससे ये आसानी से जो कुल्फी है हमारी आसानी से निकल जाएगी। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसको करेंगे और ये आसानी से निकल जाएगा। ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देते हैं और कितनी जल्दी ये हमारी कुल्फी बनी है।